आप जब ऑर्डर करते हो और आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है, जैसे डिश रेडी होती है ना, आपको वीडियो पे ये भाई भेज देते हैं आपके मोबाइल नंबर पे कि आपका डिश ऐसा दिख रहा है, तो मुंह में और पानी जल्दी आ जाता है। कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर करो, कोई आपको डिश नहीं दिखाता, पैक करके सीधा आ जाता है, थोप देते हैं भी लेके जाओ, जो बना जो अंदर आए। इन्होंने ये सब वीडियो मुझे दिखाया, ये सब के वीडियो पहले दिखा दिए कि इस तरह की डिशें आ रही है। गुड यार, बहुत अच्छी बात है। ये पिज्जा है कि रोटी है, क्या किस पे बने? देखो ना, ये बेलवा पिज्जा। कौन सा बेलवा? तो दोस्तों नमस्कार, फिर से हम इस एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं हूँ शीतल मोदी, मेरा यार भिड़ू जो भी मेरा फ्रेंड शैलेश संतोष भाई, पहले मैं शैलेश भाई बोलता था। तो संतोष भाई, हम दोनों आपके सामने उपस्थित हैं। आपके सामने बहुत बड़ा पैकेट पड़ा है, इसके बारे में तो भाई एक ही आदमी बता सकता है। जिन्होंने ऑर्डर किया है आज, वो है मेरा दोस्त संतोष भाई। बताइए सर, क्या है आज से? इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, इनके बारे में मैं सिर्फ मैं चार लाइन ही बोल सकता हूँ। चार लाइन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ जाऊंगा शायद। कि कहावत है ना दोस्तों, कि किसी की याद आए और दिल ऐसे धड़क जाए, अंधेरी रात में जैसे कोई सिक्का खनक जाए, मुसाफिर वो है जिसका हर कदम मंजिल का हो यारो, मुसाफिर वो नहीं जो चल के थोड़ी दूर थक जाए। आज ये जो शायरी है वो इनको रिलेट करती। इनका ना कोई स्विगी में है ना कोई जोमेटो में है। अगर इनसे आपको खाना मंगाना है तो आपको इनको डायरेक्ट नंबर पर फ़ोन करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। मेरे को ये सब समझ में आ गया, इमोशनल हो गई। ये नंबर और ये सब कैसे मिला आपको, कैसे कॉन्टेक्ट हुआ आपका? ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया, बोले देखो आप लोग ये करते ही हो, हाँ, तो आप एक दिन वहाँ से मंगा के ट्राई करो, बहुत टेस्टी फूड होता है। हमने उसने भी मंगाया था, तब फिर मैंने फ़ोन किया, तब जा करके ये आया। गुड रिसर्च फ्रेंड सर का, बहुत अच्छा है। और संतोष, मैंने आज यहाँ से मंगाया, हम लोग टेस्ट करेंगे, पैकेजिंग देखेंगे और उनका जो पोर्शन है उसके बारे में आपको बताएंगे। ओ हो बापू, क्या मंगाया आज आपने, तो बहुत बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं आज तो आपने। यहाँ पे नाम दिया हुआ है दीवा कैफे। लवली पैकेजिंग, बहुत अच्छा है, आकर्षित है, मुझे बहुत अच्छा लगा। संतोष भाई, आपको पैकेजिंग कैसा लगा? मुझे तो भाई एक्सीलेंट, जबरदस्त। देखो ना, अभी सब चीज मतलब इतने सलीके से, इतने तरीके से, ये देखो ये ब्राउनीज है। अब इनको इस तरह से पैक किया गया है कि ये थोड़ा सा हिलडुल भी अंदर नहीं रहे। हाँ, मतलब आप ब्राउनीज कर लो ऐसा पूरा। हाँ, यही तो खास बात है भाई पैकेजिंग की। तो बहुत बढ़िया रहा पैकेजिंग। तो दोस्तों पैकेजिंग तो हमारा ये वन रहा, मेरा और संतोष भाई का ओपिनियन वही है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे और पोर्शन के बारे में बताएंगे। संतोष भाई, चलो स्टार्ट कहाँ से करें? वैसे बहुत पूछना नहीं चाहिए क्योंकि सूप सामने पड़ा है, तो नियम के मुताबिक आप कुछ भी सामने पड़ा हो, स्टार्ट तो आपको मुंह से ही करना पड़ेगा। वो भी सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्टार्ट तो मुंह से ही करना पड़ेगा। तो पहले सूप लेते हैं, ब्रोकलिंग सूप। और मैं प्राइस पूछ लेता हूँ कि टोटल अमाउंट क्या है सर? टोटल अमाउंट है 2674, 2674 रुपये, 2674 रुपये। काफ़ी। और ये जो है, ये इतना जोश क्यों आया बोलने में? बिकॉज जो अभी हम लेने जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर है, तो अंदर से इम्यूनिटी का झटका लगता। ब्रोकली आते ही देखो इम्यूनिटी बढ़ गई उनकी फटाफट। तो देखते हैं दोस्तों ब्रोकली सूप। शायद मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, मुझे थोड़ा हंसी आ रहा है क्योंकि ऐसा टेस्ट मैंने कभी किया नहीं है। मैं और एक बार लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा अलग सा टेस्ट लगता है, थोड़ा विचित्र टेस्ट लग रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आप स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हो, आपको ये फीका लग रहा होगा, आपको याद आ रही होगी वार्ड नंबर 13 बेड नंबर 12 की, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये ब्रोकली का टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि इसको बनाने में जो चीज़ें यूज होती हैं ना, बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ें कड़वी ही होती हैं और फीकी ही होती हैं। हाँ, वैसे मैं बोला 3-4 स्पून मैंने लेने के बाद थोड़ा सा मुझे कड़वास आ रहा है, लेकिन ये ब्रोकलिंग का सूप मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ।
अच्छी है, हेल्दी है, सूप है, और इसको इनकार नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से पीना चाहिए। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे पिंक पास्ता, जो के है ही पिंक कलर के। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है आपको पता है शीतल भाई? नहीं, क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैंने दिखाया आपको, वो तो आपने दिया है। या बैठने के पहले आपको क्या वीडियो दिखाया मैंने? ओहो, अरे बाप, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, आप जब ऑर्डर करते हो और आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है, जैसे डिश रेडी होती है ना, आपको वीडियो पे ये भाई भेज देते हैं आपके मोबाइल नंबर पे कि आपका डिश ऐसा दिख रहा है, तो मुंह में और पानी जल्दी आ जाता है। कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर करो, कोई आपको डिश नहीं दिखाता, पैक करके सीधा आ जाता है, थोप देते हैं, लेके जाओ, जो बना जो अंदर आए। इन्होंने ये सब वीडियो मुझे दिखाया, ये सब के वीडियो पहले दिखा दिए कि इस तरह की डिशें आ रही है। गुड यार, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कोई फर्क नहीं है, जो वीडियो आए सेम एज इट इज लुक है उनका। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपके साथ, बिल्कुल कि भाई चलो वीडियो में दिखा दिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आने के बाद लुक में मजा नहीं आ रहा है, तो वो बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। तो दोस्तों अभी हम चेक करने जा रहे हैं पिंक पास्ता, और पिंक पास्ता हम टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन ही बता देंगे कि स्वाद कैसा है। सुपर भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है ये पास्ता है, बाकी सब तो आप देख ही रहे हो। वाह, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्टी है, गरम गरम है, गरम भी है, नरम भी है, और टेस्टी भी है, भी है। एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, बहुत टेस्टी है ये। इसका ऑयल कुछ अलग यूज होता है, कुछ ये ओलिव ऑयल में बनता है, ओलिव ऑयल में बनता है। उसके बाद इसमें कॉर्न पड़ते हैं, कॉर्न तो पड़ते ही दिखे, जो आपको दिखे होंगे, कॉर्न है, कॉर्न पड़ते हैं, टमाटर पड़ते हैं, पास्ता पड़ता है, प्लस ब्रोकली है, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च है, टमाटर है, वाकई हर एक चीज का टेस्ट मिल रहा है, हर एक चीज का, बहुत जितनी चीजों के नाम बताए हैं उतने टेस्ट तो 100% मिल रहे हैं, और मजेदार टेस्ट, बहुत अच्छा है, ऑर्डर करना चाहिए, मंगाना चाहिए। जैसा सुना था भाई वैसे ही पाया है, जैसा उसने बोला था एक बार मंगा के टेस्ट करो, तो है तो टेस्टी, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर, हर तरह का वेजिटेबल उसने डाला हुआ है। अभी हमारे सामने आप जैसे देख रहे हो दो बड़े बड़े पिज्जा की डिश पड़ी है, अब हम लोग टेस्ट करेंगे पिज्जा का। हम लोग क्यों ना प्रोटीन से कुछ शुरू करें, सब तो प्रोटीन, आप बोलो ना, आप जो बोलो प्रोटीन से शुरू करते, कोई बात नहीं। स्पेनिश पिज्जा ट्राई करते हैं पहले। डन सर, ये पिज्जा है कि रोटी है, क्या किस पे बने? देखो ना, ये पेपर पिज्जा है, वो ब्रेड वाला मोटा पिज्जा नहीं है। हाँ, देखो ना ये मतलब जिसको तंदूरी रोटी की तरह वो करते नहीं। हाँ, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो बेलवा पिज्जा। कौन सा पेलवा? बेलवा पिज्जा, कोई ज्यादा थिकनेस नहीं, और ये नहीं यार, ये देखो ना ये ऐसा लग नहीं रहा, ये ब्रेड है ही नहीं, ये ब्रेड नहीं है, ये आटे से रोटी बना करके उसको प्रॉपर डेकोरेट किया गया है, पानी डाला है, कैप्सिकम डाला है, रेड ग्रीन येलो, और ये पालक की तरह लग रहा है ताकि आपको लगे, चलो टेस्ट करते, ये भी गरम गरम है, बहुत अच्छी बात है। और ये बता रहा है कि ये कितना सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। हाँ, सीरीज में तो पहले टेस्ट करो, एकदम टेस्टी और एकदम स्मूथ। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या आपको लगा इसमें? नो चबाने की जरूरत है, एकदम स्मूथ रोटी में, अंदर जो लेयर दी है, जैसे कि ये देखो, वो अच्छा रिसर्च है, लेयर ने इसको सॉफ्ट बनाया, उसमें भी उन्होंने मावा भर दिया है पूरा। हाँ हाँ हाँ, पनीर, पालक, चीज, हर चीज नजर आ रही है, और टेस्ट मिल रहा है सुपर। और देखो यार, पिज्जा तो हम लोग इसके पहले भी खाए हैं, आगे भी खाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छाप छोड़ देती हैं। मेरे को खाली एक ही वीडियो है, इसका कॉस्ट कितना होगा? ये पिज्जा इतने 6 पीस भेजा है उसने। हाँ, क्या कॉस्ट होगी तुम्हारे हिसाब से एक पिज्जा की? ज्यादा नहीं है। ओहो, कितने का? 690। संभालो भाई, क्या हो गया? ये क्या 690 आपके घर में उगते हैं? मतलब 700 रुपए के पिज्जा ही है? नहीं तो उगते हैं ना। मतलब एक पीस 100 रुपए का है। हाँ, लेकिन मुंह से क्या निकला खाने के बाद? हाँ, तो बस ये पैसे वाव के लगते हैं, समझे? बहुत अच्छा रहा पिज्जा, दीवार कैफे, सुपर।
फुल टेस्टी। तो क्यों बोल रहे हो बोलो नेक्स्ट और एक पिज्जा। चलो उसका टेस्ट करते हैं। दीवा कैफे का दीवा स्पेशल, क्या वेजिटेबल फूड डाला हुआ एकदम मस्त। इसमें आपको येलो शिमला, रेड शिमला, ग्रीन बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न देखो ना सब, ग्रीन ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, गुड। टेस्ट करते हैं भी। यस क्या यार संतोष भाई। हाँ भाई ये तो इसका भी बाप है यार। किसका? आपने सही बोला, ये क्या था पिज्जा पिज्जा। हाँ तो मैंने बोला उनका स्पेशल है ये यार। ओहो जो टेस्ट आ रहा है इसमें मोजरेला को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। 100% आपका दोस्त का बहुत आभार कि उसने सही ढूंढा। और देखो आज आ करके नियर अबाउट एक घंटा हो गया होगा, उसके बावजूद भी कितना सॉफ्ट है यार। हाँ एक कॉर्नर भले थोड़े से वो हो गए हैं लेकिन बाकी की चीज़ें बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा। और ये कॉर्नर भी होते नहीं, ये देखो जब ये इसको सिकाई किया गया है तो क्रिस्पी हो गया उस समय, लेकिन अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी हो गया है वो भी टेस्ट मगर अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग ने अभी 1, 2, 3, 4 चारों चीज़ बहुत अच्छी रही फर्स्ट क्लास है। अभी हम लोग बोलते हैं ना खाने के बाद थोड़ा सा हो जाए स्वीट, तो अभी हम लोग आ रहे हैं फज ब्राउनी। वीडियो एक में से दो कर ले। बिल्कुल 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 ब्राउनी में तो वही है डार्क चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट डाला हुआ है मस्त। ऊपर उसने अच्छा खासा ड्राई फ्रूट डाला हुआ है तो अच्छा लग रहा है, ये भी टेस्टी है खाने के बाद। स्वीट तो स्वीट है, कुछ मीठा हो जाए लेकिन मीठा अगर अच्छा हो इसके जैसा फज के जैसा तो और मजा आता है। अब यही अगर ब्राउनी होता, प्योर ब्राउनी फज नहीं होता तो वो थोड़ा सा हार्ड होता। फज है इसलिए सॉफ्ट है और ये ग्लूटेन फ्री भी है। तो हो गया फर्स्ट ब्राउनी। अभी आपके सामने चार केक पड़ी हुई है अलग अलग टाइप के, अलग अलग फ्लेवर, जिस जैसे हम लोग खाएंगे वैसा टेस्ट आपको बताएंगे। संतोष जी पहला ये है, ये है, ये कप केक है। हाँ कप केक तो लग रहा है। इसका नाम है बनाना मुफिन्स। बनाना मुफिन्स तो बनाना रहेगा उसके अंदर, मुफत नहीं बनाना मुफिन्स, मुफिन्स हाँ बनाना मुफिन्स। चलो टेस्ट करते हैं, देखते हैं। ये भी देखो ये ऐसे ही बनता है, ये जो नीचे आप कप देख रहे हो ना हाँ, इसमें मटेरियल भर के सीधा ओवन में रखो सीधा बाहर निकालो। तो ये बनाना मतलब इसका बनाना का फ्लेवर रहता है, बनाने का कोई कोई पेस्ट यूज करता है, कोई फ्लेवर यूज करता है, ये क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी है सही बात है। तो टेस्ट करते हैं इसका भी, पहले इसका पेपर निकाल दें। बिल्कुल लाइनर के साथ आप खाओगे तो मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए इस लाइनर को ऐसा रखते हैं। खाने में भी शर्म आती है यार, डायबिटीज विटीज है क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं, लेकिन तो इतना सोच रहे हो कुछ लगा नहीं, ऐसा खा रहा हूँ कि जैसे कोई रजाई चबा रहा हूँ, मतलब टेस्ट कुछ आ नहीं रहा है, पता नहीं बस चबाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मतलब क्या दोस्तों अगर इसी में व्हिप क्रीम वगैरह ये सब यूज हुआ होता तो इनको चला ज़्यादा अच्छा लगता था शायद। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। यस इसलिए हमारे शीतल भाई कह रहे हैं भी है और मुझे कोई टेस्ट नहीं लगा। हाँ ये अपनी जगह इसके ऊपर पूरा ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लग रहा है, ये शायद मेरी इच्छा पूरी करे। सर इसका क्या नाम? ये रोज रसबेरी कपकेक। हाँ कभी इसके साथ खाया आपने? नहीं क्या है गलती से मैं इंसानों में हूँ ना। अच्छा मैं शीतल भाई नहीं। चलो सही है, वो भी सही है। तो दोस्तों देखते हैं रोज रसबेरी पिस्ता कपकेक। रोज रसबेरी पिस्ता कपकेक मैं बोला नहीं अच्छा रहेगा। अच्छा रोज पेटल आ रहा है तो हाँ गुड। रोज पेटल आ रहा है तो गुलाब की खुशबू आ रही है। गुलाब की खुशबू है हाँ, नीचे का जब खा रहे हो आप तो रसबेरी की मिल रही है। यस
रसबेरी एसेंस बहुत अच्छा यूज किया है, बहुत अच्छी तरह से यूज किया उसने। व्हिप क्रीम और पिस्ता का तो अपना स्वाद है ही है। अगर इसमें ये नहीं बोल सकते कि माइंड ब्लोइंग या एक्सीलेंट या वाव वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट वही है जो नेचुरल होता है, जो नेचुरल होता है। तो ये दो केक हो गया कप केक। अब ये तीसरा, ये तीसरा है सॉल्टेड कैरामेल कप केक। अब ये देखना है कि ये मीठा है या नमकीन है। अभी शायद नमकीन मेरे को लग रहा है नाम से, नाम से है ना, चखने के बाद पता चलेगा। हाँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप खोलो इधर से स्पून से, हम लोग कर लेते हैं क्योंकि उसकी हालत खराब नहीं करते हम लोग। राइट, हाँ, गुड, परफेक्ट, यस। राइट, सॉल्टेड, हाँ नमक का सही बात है, मतलब मीठा भी है लेकिन नमक का भी यूज किया गया, बहुत अच्छी तरह से यूज किया, जिसका टेस्ट भी अपने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये जो दो हमने खाए उससे ज्यादा टेस्टी, 1000 गुना बेटर है, बहुत अच्छा है, जैसा नाम है वैसा गुण। हाँ। अभी हमारा लास्ट बचा है चॉकलेट कपकेक, वो भी टेस्ट करते, चॉकलेट तो है ही, तो टेस्ट करते। ये भी अच्छा है, चॉकलेट है, चॉकलेट का फ्लेवर है पूरा, मस्त लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लगा है, आटे की दो केक से ज़्यादा। नहीं, चॉकलेट है तो चॉकलेट का फ्लेवर क्या होगा, तो चॉकलेट ही, चॉकलेट ही है। अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, टेस्ट सुपर रहा, पोर्शन बहुत अच्छा रहा, पैकेजिंग हमने आपको बता दिया, माइंड ब्लोइंग थी पैकेजिंग, बहुत अच्छा था, तो सब कुछ बराबर रहा, मतलब पैसा वसूल, परफॉर्मेंस, पैसा वसूल, जो चीज ठीक नहीं लगी उसके बारे में बताया कि होती ही वैसी है, वैसे होती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। सही है। तो दोस्तों, अभी अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो नीचे आपको नंबर्स आएंगे, आप उन नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, और जैसे हमने स्वाद किया है वैसे आप भी इसका स्वाद ले सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा, मगर ये सब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, उसके दबाने से फ़ायदा आपको होगा क्योंकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में शीतल भाई के साथ। मेरे को भी कुछ दबाने को मन करता है, दबाओ गला छोड़ के कुछ भी दबाओ, मेरे को गला ही दबाना है। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते।